परसेंट से 8% कर दी, तो जो अन्य बैंक है वो आपको कितने परसेंट में देगी? 9% में। आपने पैसा लेना बंद कर दिया। अब देखो एक बात ध्यान से, मैं आपको बताता हूं बैंक का लॉजिक बहुत सॉलिड है। बैंक ने 8% कर दी, एक होती है फिर भी एसबीआई दे रही है, एक होती है रेपो रेट जिसपे आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा देता है और रेट लेता है, अन्य बैंकों को पैसा देता है और जो ब्याज का पैसा मिलता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और जब आरबीआई खुद लोन लेता है अन्य बैंकों से आरबीआई को लोन लेने के लिए देते हैं, अरे मार्केट से पैसा कम करना है, मार्केट से पैसा कम करना है, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अन्य बैंकों से जो आरबीआई पैसा लेता है ब्याज की दर पे, उसको कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। मतलब मान लीजिए रिजर्व रेपो रेट 7% है, 7% मतलब एसबीआई आरबीआई को 7% की ब्याज पे पैसे दे रहा है। अब मार्केट में आरबीआई को पैसा कम करना है तो रेपो रेट बढ़ा दी, रेपो रेट बढ़ी तो बैंक को ज्यादा में मिला, रिजर्व रेपो रेट भी बढ़ा दी 7% से 8% कर दी। अब बैंक क्या सोच रहा है, पहले 7% में हमने पैसा ले लिया था, अब अपन कस्टमर के साथ क्यों मेहनत करें, यही पैसा आरबीआई को तो लौटा दे 8% में, डायरेक्टली तो इनसे कमा ले 1%। आ गया समझ में? दोनों रेटें बढ़ा देती है, मार्केट में पैसा कम, बैंक ये फंडे रहते हैं कुछ उनके इकोनॉमी का, ठीक है। आज की अपनी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सारी प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ऊपर से चल रही है, उन्होंने कंट्रोल करके रखा था, इसीलिए मोदी की कैबिनेट में हाल ही में मोदी की इकोनॉमिकल उसमें उनको भी एक पद मिला है, थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था, वो आप जाके घर पे लेके चेक कर। अब ये सब समझ में आया, ये लेके चलो चाइना को अपनी कीमत घटाने से क्या फायदा होगा, हो गई बात क्लियर। अब आओ भारत में दिक्कतें कहां से क्रिएट होगी, भारत क्यों अपनी इकोनॉमी को गिरा नहीं सकता, भारत क्यों अपने रुपए की रेट को गिरा नहीं सकता, क्योंकि भारत ज्यादा ज्यादा आयात करता है। उसका कारण क्या है, आयात करने का कारण उत्पादन नहीं है ना भारत में। अब अगर अपन भारत की बात करें तो मालथस नामक एक व्यक्ति ने एक थ्योरी दी कि किसी देश में जनसंख्या पॉपुलेशन एपी में बढ़ती है, जीपी में बढ़ती है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या इसको हिंदी में बोलेंगे अपन गुणोत्तर श्रेणी। और भारत में उत्पादन, भारत में नहीं सभी में उसने थ्योरी दी, और उत्पादन एपी में बढ़ता है मतलब सामांतर श्रेणी, वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी, बता रहा हूं अभी आ रहे हैं उस पर। गुणोत्तर श्रेणी 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 मतलब गुणा हो रहा है गुणोत्तर श्रेणी, या आप ऐसे चेक कर लो 4 बटे में 2, 2 8 बटे में 4, 2 16 बटे में 8, 2 32 बटे में 16, 2 गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, 12 जिसका अंतर समान हो, समांतर श्रेणी 14, 16। अगर आपने इसके पहले 6 पद देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनसंख्या इतनी है, इसके देखे 1, 2, 3, 4, 5 इतनी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो किसी भी देश में जनसंख्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है और उत्पादन वही चीजें, वही कर लू 100 रुपए की जगह 200, और उत्पादन सामांतर श्रेणी में बढ़ता है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है।
तो मालथस ने कहा था कभी के दिन ऐसी मुसीबत आ जाएगी, इन दोनों के बीच में इतना तराजू डगमगा लगा, इतना इम्बेलेंस हो जाएगा कि बड़े पैमाने पर भुखमरी फैलने लगेगी। When mass starvation is the result, mass starvation बड़े पैमाने पर भारत पे लागू होता है, होता है। ऐसा अनुमान है वर्ल्ड बैंक का 2028 तक चाइना को पीछे करने वाला, एक ही चीज में पीछे कर सकता है जनसंख्या। ओके, तो चाइना को और अमेरिका, ठीक है, ये कंपेयर करने से पहले मैं आपको इंडिया का श्रम बाजार बता देता हूं। मतलब भारत में श्रम बाजार है कैसा, लेबर मार्केट कैसा है ये बता देता हूं। अभी भारत इतनी जोर से प्रोग्रेस करने वाला है वो आपको मैं यहां से बता दू। वेब वर्किंग एज पॉपुलेशन ये समझाता हूं, उसके बाद डिपेंडेंस एज पॉपुलेशन डीएपी डेप, डिपेंडेंस एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब श्रम आयु योग्य जनसंख्या, डिपेंडेंस मतलब आश्रित आयु जनसंख्या। ओके, ये आपको सबको पता है कि भारत की सरकार ने फिक्स कर रखा है कि 14 साल के हर बच्चे को पढ़ाई मिलना चाहिए, ठीक है, ये आश्रित है कि काम करने वाला आश्रित, और 64 साल के बाद किसी भी सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट लेना जरूरी है, 64 साल के बाद ये भी आश्रित हो गया। तो वर्किंग एज कहां से काम है, 15 साल से 64 साल। ओके, 15 साल से पहले के बच्चे और 64 साल से बाद के जितने भी जने हैं वो कहां आएंगे, आश्रित वर्ग। वर्किंग एज में श्रम आयु योग्य 15 से 64 के बीच, जब जब किसी देश में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है हर देश विकास करता है, और लकी बात ये अभी तक भारत में आई नहीं, आने वाली, चाइना में आके चली गई है, इसलिए तो उसने विकास कर दिया था, चाइना में आके चली गई, अब चाइना की इकोनॉमी बिगड़ेगी। भारत की ये आने वाली है कि वेब ज्यादा होगी आश्रित कम, श्रम करने वाले ज्यादा होंगे आश्रित कम, इनके अनुपात आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। अगर आप वेब अपॉन डेप कर श्रम आयु योग्य, और ये इंग्लिश में ही आएंगे वेब अपॉन डेप, आपको हिंदी में नहीं लिखा मैंने, श्रम आयु योग्य बटे में आश्रित, ये एक से बड़ा है या एक से छोटा है, कब फर्क, एक से बड़ा है डोरों या छोटा है, छोटा, सही बात, मतलब ऊपर वाला कम होना चाहिए और नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए, अगर ऊपर ज्यादा और नीचे कम होगा तभी तो एक से कम आएगा आंसर, मतलब श्रम आयु योग्य कम हो और आश्रित ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा कम होगा जब ऊपर पड़े और नीचे छोटा, श्रम आयु योग्य ज्यादा हो आश्रित कम, समझ में आ रहा है, आश्रित कम हो श्रम आयु योग्य ज्यादा हो तब फायदा, इसका उल्टा हो गया, मतलब आश्रित कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हो, आश्रित वृद्धि में श्रम आयु योग्य तो आंसर एक से कम आना चाहिए, आंसर एक से कम कब आएगा, जब आश्रित कम हो श्रम आयु योग्य ज्यादा हो, तभी तो फायदा है। भारत में वे मतलब श्रम आयु योग्य बटे में आश्रित, एक से नहीं दो से नहीं तीन से ज्यादा आता है, यहाँ पे उल्टा केस, यहाँ पे श्रम करने वाले ज्यादा। 2035 तक आप भारत का विकास देखना, क्योंकि 2024 तक पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा नहीं सकता, ठीक है, 2024 तक, 14-19 की बात नहीं, 24 की बात, आज ये 2024 तक मेरे परसेप्शन से कोई हटा नहीं सकता, कितनी हो रहा है, कितना सोलिड काम कर रहा है ना, 2025 तक
भारत में सबसे ज्यादा श्रम आयु योग्य व्यक्ति हो। अब क्या हुआ, उस समय भारत के लोगों को रोजगार चाहिए और उस समय अगर सरकार रोजगार देने में असमर्थ रहती, लोगों को काम चाहिए यार। सरकार के ऊपर कितना बड़ा दबाव है कि लोग काम करना चाह रहे हो, सरकार काम करना चाहिए। ये वर्किंग एज पॉपुलेशन आने वाली, अब लोगों को रोजगार चाहिए, अब लोगों को विकास चाहिए, अब लोगों को इंडस्ट्री चाहिए, अब लोगों को सारी फैसिलिटी चाहिए। उस समय जाके हो सकता है अगर इसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन, तो भारत बहुत अच्छा विकास करे। चाइना में चला गया, और हर देश के साथ ऐसा लगा होता है जब भी ये एक से ज्यादा होता है वहां पे कमाल होता है, और वो कमाल भारत में निश्चित रूप से। आशा करता हूँ कि आप सभी इनमें तो आते ही है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे अर्थव्यवस्था सुधारने को, रिटर्न भी भरा करें, ठीक है, उससे आपको ही फायदा, सब्सिडी मिल जाएगी। रिटर्न भरोगे, टैक्स भरोगे, तो वो सब्सिडी मिल गई जनरल के लिए। अब क्या होता है, ये भारत का श्रम बाजार, समझ आ गया श्रम बाजार किस तरीके से कौन से ज्यादा हो। अब ये क्लियर है तो अपन बिना टाइम को वेस्ट करते पड़ते हैं, आपको बहुत उत्सुकता तो होगी कि भारत डॉलर 1.7 ट्रिलियन, 1.7 ट्रिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, दस मिलियन बराबर 1 करोड़, मतलब 16, 1 बिलियन मतलब 1,000 मिलियन, मतलब 100 करोड़, करके देखो, 1 ट्रिलियन मतलब 1,000 बिलियन, 1,000 बिलियन मतलब 1,000 ये और 100 करोड़ ये, और आगे ये सांप बिच्छू लटक रहे डॉलर, ठीक है। इतना जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर भारत का रहा। अब आपको पता है इसमें से कितने इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ावा, तो रियल तो कहीं नहीं। भारत का टोटल जीडीपी 1.7 डॉलर ट्रिलियन, चाइना 11 पॉइंट समथिंग, फैक्ट क्या थे मैं आपको देख के बताता हूं, करते करते हाँ, चाइना का कितना रहा था, 8.27 डॉलर ट्रिलियन, अमेरिका का, अमेरिका का 15.68 डॉलर ट्रिलियन, अमेरिका सबसे ऊंचा, इतना ज्यादा भारत सबसे कम। दिक्कत ये रही है जीडीपी का, दिक्कत क्या है, जीडीपी ना बढ़ने का कारण क्या है, तीन सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री, सर्विसेज। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ओके, तीनों के लिए भारत में लगभग 85% जनसंख्या यहां है, तो सबसे ज्यादा इन केसों में किसको आ देना चाहिए। भारत में मैं लिख देता हूं आंकड़े सही आपको, भारत के पहले लिख देता हूं, भारत में 85% लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन इसमें केवल उनका 17% योगदान है। काम इतने सारे जने कर रहे हैं, 85% लोग, और जीडीपी में मात्र 17% योगदान। मतलब अगर आप 100 जनों की बात करें तो 85 जने कृषि कर रहे हैं और दे रहे 17 रुपए। भारत में 7 या 8% लोग सर्विसेज में, बैंकिंग में, इंडस्ट्री में, आईटी में, आईटीईएस में, उद्योग में, भारत में सर्विसेज में केवल 7% लोग, वो कितना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 65% योगदान। मतलब
100 में से 7 लोग दे रहे हैं 65 रुपए। ये 65 रुपए मतलब इतना छोटा ट्रांजेक्शन है, लाखों करोड़ों में होता है। तो राजू कितना इम्बेलेंस है यार, कितना ज्यादा इम्बेलेंस है। जो भारत में सबसे कम लोग हैं वो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, और बाकी जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो सबसे कम योगदान दे रहे हैं। भारत में इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री भी इतना ही योगदान देती है। ठीक है, दिखा देता हूं। कुल मिला के 310 बिलियन डॉलर इससे आता है, 328 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री से आता है, और 1186 बिलियन डॉलर सर्विसेज। इस प्रकार से ये क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो चाइना की देखते हैं, थोड़ा मजा आएगा, उसके बाद देखो ना, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चाइना की अगर आप बात करते हैं, चाइना में 12% योगदान काय का है, योगदान बात कर रहा हूं मैं, ये भी योगदान है ना कि लोग तो ज्यादा है, योगदान कितना है इतना है। चाइना में 12% आता है कृषि से, 45% आता है इंडस्ट्री से, 44% आता है सर्विसेज। इंडस्ट्री ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है। कैसे उत्पादन का क्या रोल, प्रोडक्शन का क्या रोल, आप देश को कैसे सुधार सकते, आप लोगों को रोजगार कैसे दे सकते, आप देश का विकास कैसे कर सकते, शिक्षा के माध्यम से या इंडस्ट्री के माध्यम। ठीक है, पहले आप शेरिया जनजाति है, शेरिया जनजाति है जो छोटे छोटे बच्चे, सरकार ने कहा कि मैं हर बच्चे पे 10,000 रुपए हर साल खर्च करूंगा, इनके परिवार को दूंगा ताकि उनको शिक्षा मिले। क्या वो परिवार को जिसको पैसे मिल रहे हैं, जिस बच्चे के माँ बाप वो 10,000 रुपए उसको स्कूल भेजेंगे या घर का खर्च चलाएंगे, वो पता ही नहीं, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, लेकिन उनको रोजगार मिल गया तो उनकी पढ़ाई की अहमियत अपने आप पता लगेगा। तो पहले पीढ़ी को उसको सुधारना जरूरी है, समझ आया, पहले वो बड़े लोग सुधरेंगे तभी तो आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। ठीक है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, इसके लिए कोई हाईफाई नॉलेज होने की जरूरत है, आपको बीए की डिग्री चाहिए, एमबीए की चाहिए, बीटेक की चाहिए, डिग्री की जरूरत है। 15 महीने की मैंने ट्रेनिंग दे दी, 15 महीने, 10 महीने की ट्रेनिंग दे दी, 2 साल की ज्यादा से ज्यादा मिला, रोजगार मिला तो इंडस्ट्री से उत्पादन बढ़ रहा है, भारत क्या करेगा, निर्यात 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 निर्यात। चाइना में 45% जीडीपी का हिस्सा इंडस्ट्री से आता है, इंडस्ट्री उत्पादन 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 करती है। चाइना को ये बात 1989 में समझ में आ गई थी, अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी है तो हमें इंडस्ट्री को बढ़ाना देना पड़ेगा। इन्होंने इनके उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डेन चाओपिंग, डेन चाओपिंग। 1989 में डेन चाओपिंग को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर मेरे को चीन की अर्थव्यवस्था, चीन और भारत की एक जैसी स्थिति थी, मैंने आपको बताया था पहले नारा चलता था हिंदू चीनी भाई भाई, मतलब हिंदुस्तान और चीन लोग भाई एक जैसे, दोनों ही आर्थिक उससे जूझ रहे हैं। डेन चाओपिंग को यह बात समझ में आ गई, डेन चाओपिंग ने एफडीआई के दरवाजे खोल दिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जो आप लोग एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जब आप उसके बारे में टीवी पे देखते होंगे तो सोचते होंगे यार भारत के, भारत में और कोई पैसा क्या के इन्वेस्ट को करें, आपको बुरा लगता है 100% जो मेरे से नहीं पड़ा उसको बुरा लगता है कि यार एफडीआई आ रही है, बाहर के लोग अपनी जमीन पे आके क्यों पैसा खर्च करें। पहली बात तो ये, भारत में अगर एप्पल की कंपनी आई जितना उत्पादन होगा उससे जो पैसा मिलेगा उस
उसकी एक रेट फिक्स है कि आप केवल इतना पैसा भारत के बाहर ले जा सकते हो, जितना आपने कमाया है उसका इतना परसेंट आपको दोबारा भारत में खर्च करना है। ये फिक्स रेट है, ऐसा नहीं है 100 करोड़ कमाए 100 करोड़ प्रॉफिट है, ये फिक्स है। पहली बात है, अब अगर एप्पल की कंपनी भारत में आ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, राष्ट्रीय आय बढ़ी, वो कंपनी भारत की सरकार को टैक्स दे रही है भारत में रहके, वो बढ़ गया, भारत में जीडीपी बढ़ गई, उत्पाद बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा चीज एक्सपोर्ट होंगी, ज्यादा से ज्यादा चीज एक्सपोर्ट होंगी, ज्यादा से ज्यादा चीज एक्सपोर्ट होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया, क्योंकि अमेरिका से वो कर्मचारी थोड़ा नहीं भारत में काम करेंगे, क्योंकि भारत की होनी चाहिए वर्किंग एज भी है। ये बात चाइना को 1987 में समझा, ठीक है, और इस हिसाब से ही नरेंद्र मोदी ने इस बार रक्षा क्षेत्र में FDI बढ़ा के 25% और बढ़ा दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, FDI गलत है, कैसी? वॉलमार्ट उत्पादन थोड़ा गलत, वो तो सेवाएं दे रहा है, हो जाएगा, वॉलमार्ट तो सेवाएं दे रहा है, फैक्ट्री जरूरी है ना कि रोल जरूरी। आगे समझते, ये बात 1989 में चीन की समझ आई थी, उत्पादन बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, तब से चाइना इसको भी कर रहा है, इसको भी इंप्रूव कर रहा है। ये बात अमेरिका के भी समझ में नहीं आई थी, और अमेरिका की भी अभी ऐसी स्थिति है बहुत खराब, हालांकि ये आपको बड़ा आंकड़ा तो दिख रहा है, ये आपको बड़ा आंकड़ा तो दिख रहा है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, लेकिन ये भी परेशान है। क्यों? मैं आपको इनकी भी आंकड़े बता देता हूं अमेरिका वालों के। अमेरिका में जो टोटल जीडीपी है उसमें से केवल 1.2% कृषि से आती और 19.1% इंडस्ट्री से, बाकी की सब। आजादी के बाद अमेरिका अपने तरक्की के नशे में कुछ ऐसा डूबा कि उसने लोगों को इस प्रकार से रोजगार देना स्टार्ट किया, सर्विसेज देता गया, सर्विसेज देता गया, सर्विसेज देता गया, सर्विसेज देता गया, FDI चीन में खोल ली, चीन का उत्पादन बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय चीन की बढ़ रही है, उसका कुछ हिस्सा ही अमेरिका को मिल रहा है, ये सारी चीजें वहां घटित हो रही है। अब अमेरिका ने सोच लिया, मैं उत्पादन करूं, जो भी चीज चाइना से मंगा लूंगा, मेरे लोग सच्चा में सर्विसेज दी होने में इतनी, तब से अमेरिका चाइना से मंगाता जा। कोई भी चीज अपने देश से मंगाएगा तो अपने रुपए की कीमत स्ट्रॉन्ग होगी, अपने पैसे की डिमांड होगी मार्केट में। कैसे? IMF, इसके पास अलग अलग मुद्रा है। अब अमेरिका वाले अपना डॉलर लेके गए, अब मान लो शिमला रस्सी हाउस पे नाश्ता करना है, अमेरिका वाले 20 रुपए के समोसे आए, 10 रुपए की जलेबी है, ठीक है, $1 दे दिया शिमला रस्सी वाले। अब जैसे वो जा रहा हुआ अमेरिका, इतने लोग कर दिया तुमने, अरे $1 सर, दिस इज $1, $2 नहीं पैसे लाओ, चलेगा नहीं ना काम डॉलर का, इंडिया में तो कभी चाहिए। भारत वाले अमेरिका जाएंगे, डॉलर चाहिए। जब भारत में उत्पादन ज्यादा हो, जब भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग भारत की वस्तु लेने के लिए, तब उन्हें IMF से भारत का रुपया खरीदना पड़ेगा। IMF से जब उन्हें भारत का रुपया खरीदना पड़ेगा, IMF के पास डॉलर बहुत सारे हो, भरपूर डॉलर, रुपए की कमी है, रुपए की कीमत बढ़ गई, डॉलर की कीमत कम हो गई, सही है कि नहीं है? रुपए की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? उसी की डिमांड है जो साल में एक पिक्चर बना, उसकी डिमांड नहीं है जो लगे लगे समझाया, डिमांड उसी की है। सलमान खान साल में एक पिक्चर करता है, समझाया, आमिर खान मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट साल में एक पिक्चर, डिमांड उसकी, समझाया, डिमांड, ठीक है।
ठीक है क्लियर। तो फिर भारत भारत चाला की करे, भारत अपने रुपए की कीमत जानकर लेकर आते हैं, आप तो निर्यात कर रहे हो ना, वही चाइना वाला लोग जो आप 60 रुपए दूसरे खरीद रहे जब 70 रुपए खरीद तो क्या स्टॉक क्लियर कि कैसे होगा सर, जब उत्पादन ज्यादा एफडीआई ज्यादा होगा, निर्यात ज्यादा होगा, मांग ज्यादा बढ़ेगी भारत। और ये कब होगा, जो चीन बिल्कुल फैक्ट तथ्य पे चल रहा है, चीन की लॉजिक ने उसका बिल्कुल साथ दिया, उसका कारण ये है कि एफडीआई खोल दी 1989 में डेंग शियाओपिंग ने, दूसरी बात उस समय के आसपास इनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा, यही मोदी जी अभी तक। अब राहुल गांधी को से क्या एफडीआई आ रही है, भड़का रहे जनता को, नहीं आनी चाहिए, विदेश क्यों आ रहा है, अब लोग क्या है मूर्ख, नहीं आनी चाहिए विदेश का, उनको पता नहीं, समझ आया, सबसे बढ़िया कोई नॉलेज ना हो अच्छा है, आपको मतलब ही नहीं है, ये 8 कर दूं मनी में 800 कर दूं, कोई को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कहावत भी है इसके ऊपर एक भूल रहा हूं, ठीक है कि कुछ ना समझना या कुछ याद ना होना कुछ पता ना होना एक वरदान के समान, डाउट ही नहीं है, समझ आ गया। अब दिक्कत ये हो रही है कि भारत में इंडस्ट्रीज बहुत कम, इसलिए सुधार नहीं हो सकता, जब ये बढ़ जाएगा ना, जब एफडीआई जाएगी, जब नई नई इंडस्ट्री खुलने लगेगी, और उसी प्रकार से हुआ जैसे डेंग शियाओपिंग के शासन काल में चाइना में हो रहा हुआ, तो भारत अपने आप प्रोग्रेस करेगा। वो निर्यात आयात सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कैसे हुआ फायदा, रुपए की कीमत बढ़ेगी, निर्यात से प्रॉफिट हुआ, ये सब क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार नहीं पढ़ता। तो भारत में ऐसा हो, और अमेरिका को भी बहुत चिंता सता रही कि हमारा ये सेक्टर बहुत कम, इसलिए वो भी कोशिश कर रहा है, क्लियर है। अब डिफेंस में, रक्षा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एफडीआई का अपना एक अहम पार्ट, अगर अपन उसको आज डिस्कस करें तो अपने मेन दे दें, ये तो आप से देखोगे तभी आपको समझ, लेकिन ये मार्केट में पैसा आना, मार्केट में पैसा रोकना, आयात मुद्रा को ऊंची कराना, मुद्रा को बढ़ाना, डॉलर आईएम, ये पढ़ना है, ओके चल, ये बस 5-10 मिनट की क्लास हो रही, उसके बाद अपन एंड करेंगे। तो इस तरीके से लॉजिक चल रहा है चाइना और इंडिया में, जो बेसिक डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। इंडिया को एक ही माध्यम से सुधारा जा सकता है, ओनली वन मेथड इंडिया कैन बी डेवलप्ड बाय, दैट मेथड इज नन अदर देन इंडस्ट्रीज। वो मेथड कौन सा है, ज्यादा ज्यादा एफडीआई, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा ज्यादा डिमांड। अब भारत लोन ले रहा, ठीक है, मैंने बताया ना सरकार के पास पैसे की कमी हो गई, बाजार में बहुत सारा पैसा आ गया, या सरकार को जहाज खरीदने 10 बढ़िया शानदार डॉलर में, तो भारत को अगर बाजार में पैसा है तो भारत की सरकार कोशिश करेगी कि मैं अपने ही लोगों से पैसा ले लूं, कि बाजार में पैसा कम करें, नहीं तो उसे IMF से लोन लेना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा, या जापान से अभी जिस प्रकार से ले रहा है भारत उस प्रकार से लोन लेना पड़ेगा, इतना लोन कहां से चुका है करें। लेकिन क्या भारत की सरकार आरबीआई के पास जाके ये नहीं कह सकती 1000 के जरा इतने नोट छाप देना, नहीं लेना विदेशी रेट, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, फिर सुनो, अगर इतना पैसा लेके ये 10 जहाज खरीदने गया तो 10 जहाज जो अमेरिका से भारत लेने वाला, उससे पहले उसे IMF के पास जाना पड़ेगा, तेरे मुद्रा तो चेंज कर लो, तो हमें डॉलर में समोसा नहीं दे रहे, जांच को दे दे। तो अब भारत को कहां जाना पड़ा, आई अब भारत ने IMF से डॉलर की डिमांड करी और रुपया बहुत सारा देती गई,
ये लेना ये लेना है, रुपया दे दी जा रही है, रुपया छपता जा रहा है, आईएमएफ को दे दी गई, रुपए की कीमत कम। अब फिर 1000 रुपए में एक एनुअल लेवल की ट्रॉफी आई, रुपए की कीमत कम होगी तो यही होगा ना। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, बैलेंस जरूरी है। अगर ऐसा करो कोई कोई कोचिंग वाले क्या कहते हैं, नोट क्यों नहीं छाप सकती भारत की सरकार, अरे पेड़ों की कमी है, इससे प्रदूषण दूषित, इससे वातावरण दूषित होगा, प्रदूषण होगा, बच्चों में डाउटी क्लियर नहीं मिलते। ये बस ये मैं बता दूं आपको, ऐसे ऐसे तक कोचिंग वाले हैं। भारत में नर्मदा नदी बहती है और आगरा में ताजमहल है, इसलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार क्या लोगे, ये लोगे गंगा इधर से बहती है, इधर उसका मिलन होता है, इसलिए नर्मद मोदी प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे पढ़ाते लोग। अब इससे क्या पेड़ों की कमी होगी, कह देते हैं हाँ सर सही कह रहा है, पेड़ों की कमी हो जाएगी, कट जाएंगे पेड़, सांस नहीं है, सही कहा। अरे इसलिए नहीं हो सकती यार, आईएमएम के पास जो रुपये रुपये पहुंचता जाएगा तो रुपये की कीमत कम होगी, कहां तक छापोगे ना, वो तो अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं कर सकते अपन, तो ये तो क्लियर। ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाया ठीक है, इसके ऊपर वर्क करो, रिसर्च करो, कोशिश करो कि जो मैंने आपको पढ़ाया है एक बार मैं आपको बता दूं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, इन्फ्लेशन, आईएमएम, भारत का श्रम बाजार, लेबर मार्केट, वर्किंग एज पॉपुलेशन और डिपेंडेंस एज पॉपुलेशन, इंडिया, चाइना एंड अमेरिका, इनके ऊपर रिसर्च करो, मेरे से भी ज्यादा पता है। ये लक्ष्य, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको दूध को उल्टा उठा के जो खीर बनाते और खीर को उल्टा उठा के जो मलाई मिलती है वो मलाई परोसी, ठीक है। ज्यादा पढ़ना सब पढ़ो, छाछ कैसे बनी, दही कैसे बनी, ये बेसिक ठीक है। ये देर का मैंने पढ़ाया आपको 2% इकोनॉमिक्स का भी और स्टडी का, लेकिन ये 2% इतना है कि गुनाह के हिसाब से और लोग जो कोचिंग पढ़ा भी रहे और पढ़ भी रहे उनके हिसाब से 2000% ठीक है। भले आप कहीं भी जाके पढ़ लेना ठीक है, डेमो लेना, 2 दिन का डेमो, 2 दिन का निःशुल्क डेमो। डेमो से मेरे को एक बात समझ नहीं आई, व्यक्ति डेमो देता है, अब मैंने डेमो बंद कर दिया है, जैसे कि आज से ही या कल से टोटल डेमो बंद, अगर आपको आना है शुरू में ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो बंद मत पढ़ो, दूसरी जगह चलो। यार एक बात बताओ, डेमो से आप मेरा सिलेक्शन करोगे क्या, कि आपको मुझसे पढ़ना, मैं आपका सिलेक्शन करूंगा कि मेरे को आपको पढ़ाना है। इट साउंड सो फनी, स्टूडेंट सिलेक्टिंग द टीचर्स रेदर देन टीचर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स, ये मेरे को वो 10,000 वाली बात, स्टूडेंट टीचर का चयन नहीं करता, टीचर स्टूडेंट का चयन, इसलिए डेमो पर कोई डेमो नहीं। मैं स्वयं साक्षात अनुज मेरा आपके सामने रहा, पूछो ना क्या पूछो, डेमो लो मेरा, लो डेमो, पूछो क्या पूछो, सीधी सी बात ठीक है। इसलिए डेमो पर अगर आपको आ रहा है वो मैं आपको बात करता हूँ। हाँ आप पूछो क्वेश्चन, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी उसी कारण से होती है, मैं आपको बता दूं। अच्छा क्वेश्चन, ठीक में जाना पड़ेगा, 5 मिनट का डिस्कशन और होगा, लेकिन उससे आपको और टॉपिक क्लियर। आरबीआई को मार्केट में पैसा देना है, आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा, जो अन्य बैंक थे वो भी ब्याज दर व्यक्ति को देने की कम कर देंगे। एक रेट होती है SLR, एक रेट होती है CRR, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपको इंग्लिश में याद करना, हिंदी का मतलब ही नहीं है। CLR हर बैंक को RBI की तरफ से निश्चित कर दिया गया है, ये चेंज होती रहती है हर वर्ष, आपको मैंने बताया चेंज क्यों होती है, मार्केट में पैसा आना,
24% के आसपास आपको स्वयं अपने पास रखना होगा। मतलब आपके पास 1000 करोड़ रुपए है या 100 करोड़ रुपए, तो 24 करोड़ रुपए आप केवल इसमें से 76 करोड़ रुपए बांट सकते हो जनता, जनता को बैठे लेंगे। 24 करोड़ रुपए खुद के पास रखना होगा। अब बैंक पता चले नीचे से टेबल से किसका रहे, 100 करोड़ 78 दे दिए, 80 दे दिए, 85 दे दिए। अब बैंक सोचे 24 करोड़ सड़ाऊ क्यों, क्यों सड़ाऊ। आरबीआई चालू है, आरबीआई ने एक और रेट चालू कर दी सीआरआर, जितना पैसा है उसका 3 से 4% चेंज होता रहता है। 4% आपको हमारे पास रखना पड़ेगा 4 करोड़ रुपए। आपके पास कितना दे सकते हो, 72 करोड़। क्यों 24 करोड़ आपको रखना चाहते हो, अगर आपने इसमें घपला किया तो आपके 4 करोड़ डूब गए हमारे। तो बैंक की हिम्मत नहीं है इसको मैनेज करना, पहली बात इससे पैसा सड़ना, ये भी बात सही। और ये आप 24 करोड़ मत देखो, 10,000 करोड़ इतना ट्रांजेक्शन देता है बैंक, ओके इतना ट्रांजेक्शन देता है बैंक का। इसलिए हर 3 महीने में ये रेट चेंज होना जरूरी है, हर 3 महीने में ये रेट चेंज होती है, बैंक रेट, रिजर्व रेट, जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से इतना, फिर इतना, मतलब एक साल में चार बार ये रेट चेंज होती है। समान भी रहती है लेकिन इनके ऊपर काम किया जाता है, वही पूरा आपका जितना टैक्स भरा उस हिसाब से पूरा अमाउंट ही होती है। मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, ये क्या हो रही, पहली बात तो ये समझ आ रही ना, घपला करने की बैंक की हिम्मत नहीं है, सीआरआर आरबीआई के पास पैसा कमा, और ये 4000 करोड़ के आसपास होगा। अगर 1,00,000 करोड़ बैंक की इनकम है तो 4000 करोड़ सीआरआर होगा, 4000 करोड़ सीआरआर जब आरबीआई के पास रखा होगा तो इसको करने की घपला करने की हिम्मत, ये और ये पैसा सड़ रहा है नहीं। मान लीजिए महंगाई हुई, वित्तीय आपातकाल पड़ गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ गई। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे पड़ी, फाइनेंशियल इमरजेंसी महंगाई से पड़ी, रुपए की कीमत कम हुई, वही रोजे, वही कल्लू, वही उसके पास वाला, वही 100 रुपए, वही 200 रुपए, वही 2 किलोग्राम, कैसे मार्केट में पैसा आया महंगाई बढ़ गई, मार्केट में पैसा आया महंगाई बढ़ गई, सरकार के पास पैसा कम, तो इस पैसे को सरकार इस दौरान यूज करती है। समझ आया इस पैसे को सरकार इस दौरान यूज करती है, सीआरआर पैसे फाइनेंशियल बढ़ती का ऐसा, ओके वो तो